बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में इल्तिजा नहीं तो अर्रे हाल मुस्तरद, सरिश्त में वफा नहीं तो सो जमाल मुस्तरद। अदब नहीं तो संग खिश्त हैं तमाम डिग्रियां, जो हुस्न खुल्क ही नहीं तो सब कमाल मुस्तरद। अबस हैं वो रियाजतें जो यार ना मना सकें, वो ढोल थाप बांसरी वो हर धमाल मुस्तरद। किताब इश्क में यही लिखा हुआ था जा बजा, सिवाय ख्याल यार के हर एक ख्याल मुस्तरद। वो शख्स आफ्ताब है मैं एक चिराग का जदा, तो उस हसीन की बज़्म में मेरी मिजाल मुस्तरद। मैं मोतरिफ हूँ तेरा मगर एचान मुआजरत, के उस हसीन की बज़्म में तेरी मिसाल मुस्तरद। हिसाबे उम्र देख लो कि फिर पुल सिरात पर, हिसाबे उम्र देख लो कि फिर पुल सिरात पर, ये नफ्स के अगर मगर चरेब फरेब चाल मुस्तरद। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट शेरान मुमताज फ्रॉम 7 ब्रेवो फॉर स्पीच। अस्सलाम वालेकुम। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आज का मेरा उन्वान मेहनत की अजमत है, तारीख गवाह है कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं वो सब अपनी मेहनत के आदी थे। इन्होंने कुव्वत और मेहनत को अपना शार बनाया, लिहाजा अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में सख्त मेहनत को अपना शार बना लिया और अपनी हस्ती को अमर कर लिया। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जब तक इंसान मेहनत को अपना शार नहीं बनाता तो उसे कुछ हासिल नहीं होता। ज़फ़र अली ख़ान ने इसी आयत से यूँ इस्तफादा किया और फरमाया, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अब अपनी हालत को बदलने का। मेहनत ही ऐसा जज्बा है जिससे ना सिर्फ इंसान बल्कि माशरे और कौमें बनती हैं और आगे बढ़ती हैं। माशरे का हर फर्द, ख्वाह वो किसान हो या मामार, मुसन्निफ हो या शायर, फनकार हो या कारीगर, मालम हो या मुतल्लिम, अफसर हो या मजदूर, सब को अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए माशरे के लिए फ़ाल किरदार अदा करते हैं। काहली और सुस्ती अब मेहनत की ज़िद है, ये कभी कामयाबी को ज़ामिन नहीं हुआ करती। आम लोग मेहनत को तगो दो किए बगैर कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं, क्योंकि हमें अपनी मेहनत के बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। और ये लोग इस बात से बेखबर हैं कि कामयाबी के मनाजिल तक पहुँचने के लिए इन्हें मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। बाद औकात पर ऐसा भी है कि वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान मायूस हो जाए। मेहनत ही हमारे लिए ज़िंदगी बदलने का सबब है, इसलिए हमें भी मेहनत के साथ हर काम करना चाहिए। जब जज्बे जवान हो तो मंजिलें खुदा आगे बढ़कर सलाम करती हैं। शुक्रिया। बेटे, आखिरी कुछ मिनट्स बाकी रह गए हैं, तो
अब आपसे कुछ कीमती बातें इरशाद फरमाएंगे मोहतरम प्रिंसिपल साहब, तो बड़ी तवज्जो के साथ बेटे बात सुने, बड़ी कीमती बातें होती हैं और उन पर अमल भी किया करें फिर। तो अब आपसे महवे गुफ्तगू होंगे राशिद मुख्तार साहब।